हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का लेक्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो को आप समय पर देख पाएं। आज हम लेकर आए हाई स्कूल का गणित, जिसमें आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसमें हमने आप तक कई वीडियो बनाकर इस पर डाल दी। यदि आप लोगों ने नहीं देखे तो पहले उन वीडियो को देख लीजिए, तभी आपको ये क्वेश्चंस, ये टॉपिक्स बेहतर तरीके से समझ में आ पाएंगे। ठीक है, आइए चलते हैं कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ, जिनमें आज हम कवर करने वाले पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण को सॉल्व करना है, मतलब पूर्ण वर्ग बनाना है हमें, उसके बाद हमें क्या करना है, उसका सोल्यूशन निकालना है। ठीक है बच्चों, आइए चलते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि 3x² और प्लस 11x और प्लस 10 बराबर 0 के दे रखा है। बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन जब हम कभी भी पूर्ण वर्ग बनाना होता है तो जो भी x² के गुणांक में होता है उसको हटा लेते हैं। हटाने का मतलब जो भी यहां पर होगा उससे हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो जब यहां पर भाग देंगे तो यह हो जाएगा x² प्लस का 11/3x और प्लस का 10/3 बराबर 0। ठीक है, 3 मतलब यहां भी 3/3 कर सकते हो, मतलब जो भी x² के साथ होगा गुणांक में उससे हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे पूरी समीकरण में, पूरी क्वेश्चन में भाग देंगे। जब भाग देंगे तो इस वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऐसा बचा x² प्लस का 11/3x और प्लस का 10/3 बराबर 0 के बचा। ठीक है, यहां से ये बचेगा। अब हमें ये देखना कि जिसके साथ एक्स होगा, ठीक है, जिसके साथ मतलब x² में अगर समीकरण दिया हुआ है तो हमें देखेंगे जिसके साथ x लगा हुआ है। यदि हमारा किसी और में द्विघात समीकरण में बना हुआ है जिसका चर 2 घात का हो, जो जिसके साथ गुणांक में होगा उसको हम क्या मान लेंगे, उसे बच्चों हम देखेंगे जैसे 2ab है, 2ab तो हम 2ab के इक्वल लिखेंगे इसको, 2ab के इक्वल रख लिया, मतलब जिसके एक्स का गुणांक ये 2 घात में जो भी हो उसका गुणांक जिसके साथ होगा उसे उठा कर रख लेते हैं। और यहां से देखेंगे जो पार्ट कैंसिल है, x² है तो x² को a से कैंसिल कर लेते हैं। कहने का मतलब है हम पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी थोड़ी सी। और यहां से बना 2b, तो यहां से बचा 11/3। हमने क्यों करा, क्योंकि x का गुणांक पूरा है, x² में दिया हुआ, इसलिए हमने 1 को कैंसिल कर दिया। चाहे आप b से कैंसिल कर सकते थे, लेकिन आप देखेंगे हमें b के बाद निकालना, तो b का मान निकालने के लिए हो जाएगा 11/3 की गुणा इस 2 से कराएंगे, 3 दूनी कितना बनेगा, 6 बनेगा। कहने का मतलब अब यह हुआ कि इस वाली समीकरण में, इस इक्वेशन में 11/6 अर्थात 11/6 का वर्ग जोड़ना पड़ेगा और 11/6 का वर्ग ही घटाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसमें क्या कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं x² प्लस का 11/3x और प्लस का 11/6 का वर्ग हमने इसमें क्या कर दिया, जोड़ दिया, और प्लस 10/3 और माइनस इतने इसमें से घटा दिया, मतलब 121/36 बराबर 0। क्योंकि 11 का वर्ग कितना होता है 121 और 6 का वर्ग कितना होता है 36, ये मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया। पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग प्लस इन दोनों के गुणा का दोना रखा है, तो हम समीकरण जानते हैं क्या बनता है, वो x प्लस 11/6 का वर्ग, मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर, माइनस का यहाँ प्लस का देखेंगे, इनमें से देंगे एलसीएम जब इसका लेंगे तो 36 को हम कैंसिल करेंगे, कितने से 12 से कैंसिल हो जाएगा 3 बार, तो 12 की मल्टीप्लाई इससे कर लेंगे 120 हो जाएगा, और माइनस यहां से बचा 121 बटा कितना हो जाएगा 36 बराबर 0 के हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, मैं इसको यहां से फिनिश कर देता हूं और देखते हैं सॉल्यूशन को आगे। तो बच्चों, यहां से क्या बनेगा, ये एक्स प्लस 11/6 का वर्ग, और यहां से जो बचेगा वो माइनस से बनेगा, क्योंकि 121 में से आप 120 घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा और बटे में 36 ऐसे रह जाएगा, बराबर किसको होगा, 0 के। बच्चों, हम जानते हैं कि 36 किसका वर्ग होता है, तो ये वर्ग जो होता है वो 6 का होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/6 का वर्ग बराबर 0 के। अब हम जानते हैं बच्चों, ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं पहले, a² - b² बराबर किसका होता है, a + b के होता है, और a - b के मतलब एक बार जोड़ना होता है और एक बार ही घटाना होता है। तो इसी वाले पार्ट को मैं यही काम कर लेता हूँ कि x + 11/6 और प्लस कितना 1/6, मतलब एक बार हमने 1/6 इस वाले पार्ट में जोड़ दिया और एक बार इस वाले पार्ट में से 1/6 क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर घटा दिया, बराबर किसके चल रहा है, 0 के। यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करेंगे इसमें कि इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। एक्स प्लस यहाँ देखेंगे कि 11+1 कितना होगा, 12/6। क्यों करा मैंने ऐसा, क्योंकि यहाँ पर हर क्या है, समान है, इसलिए अंशों को जोड़ लिया। ऐसे यहाँ देखेंगे x + 11, यहाँ 11 में से हमने 1 कम करेंगे क्योंकि यहाँ पर नीचे हर क्या है, समान है, तो यहाँ बचेगा 10/6। अब हम कैंसिल आउट कर सकते हैं इसको 5 बार 2 से, इसको 3 बार, और यहाँ पर इसको कितनी बार करेंगे, 2 बार, तो यहाँ से फाइनल बचेगा x + 2 और यहाँ से बचेगा x + 4
फाइव अपॉन थ्री के बराबर किसके होगा, जीरो के हो जाएगा। हम प्रत्येक को क्या करेंगे, एक्स प्लस टू बराबर जीरो रखेंगे और यहां पर एक्स बराबर माइनस का दो रखेंगे। एक तो आपका आंसर हो जाएगा ये, दूसरा हम करेंगे एक्स प्लस पांच बटा दो तीन बराबर जीरो के, तो एक्स बराबर एक फाइनल मान आ जाएगा हमारा पांच बटा तीन हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये सोल्यूशन जरूर समझ में आया होगा। यदि बच्चों आपको इसका सोल्यूशन समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स देकर रिप्लाई देना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ इस तरह से कहा गया है बच्चों कि फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर रूट थ्री एक्स प्लस थ्री इक्वल जीरो दे रखा है। हमें इसको मूल प्राप्त करने, इसके मान ज्ञात करने हैं। तो यहां से कितना बनेगा, ये हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर प्लस का फोर रूट थ्री एक्स और प्लस का थ्री इजिकल टू जीरो के बन जाएगा। मैंने कहा था कि एक्स स्क्वायर के गुणांक में, मतलब जो भी दो पावर में हो, दो घात में जो चार दे रखा हो, जैसे एक्स हो, वाई हो, जेड हो, पी हो, क्यू हो, तो हम सबसे पहले उसके गुणांक को हटाएंगे। जो भी गुणांक में हो उसी से हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। मैंने चार यहां दे रखा, मैं क्या करूंगा इसको चार से भाग करूंगा और चार से भाग मैं इधर भी करूंगा। पूरी समीकरण में हमें क्या करना, भाग करना है। जब पूरी समीकरण में चार से भाग देंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां से बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से बचेगा रूट थ्री एक्स प्लस का तीन बटा चार के बराबर जीरो के। हमने ये कहा था जिसके साथ ये वाला एक्स लगा होगा तो हम उसको टू ए बी के इक्वल रखेंगे। तो टू ए बी के इक्वल जैसे ही रखेंगे तो यहां पर देखेंगे कि ये वाला एक्स जो है यहां पर दो घात में, इसलिए ए से हम इस वाले एक्स को काट देंगे। तो यहां से बचा टू बी और टू बराबर हो जाएगा रूट थ्री के, या अगर बी की वैल्यू इसको फाइंड करेंगे तो रूट तीन बटा कितना जाएगा, दो के। रूट तीन बटा दो का इसमें क्या करेंगे, हम वर्ग जोड़ेंगे और रूट तीन बटा दो का वर्ग ही क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे। ठीक है, तो जब इसमें से हम घटाएंगे इस मान को, देखते हैं कितना बनेगा। यहां से बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस का रूट तीन एक्स और प्लस का यहाँ पर रूट तीन बटा दो का वर्ग, और यहां पर हम क्या करेंगे प्लस तीन बटा चार, और माइनस का इसका जब वर्ग हम जोड़ेंगे तो यहाँ बचेगा तीन बटा चार, तीन बटा दो नहीं, तीन बटा चार ही हो जाएगा बच्चों, यहाँ से बराबर जीरो के। ये मान बन के आएगा क्योंकि हम रूट तीन का वर्ग करेंगे तो तीन निकलेगा और रूट दो का करेंगे, दो का करेंगे ओनली, तो वहां पर चार बन जाएगा। अब हम जानते हैं इस वाले पार्ट से तो हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। और हम जब इसको देखेंगे तो बनेगा एक्स प्लस रूट तीन का वर्ग बन जाएगा, एक्स प्लस रूट तीन का, एक्स प्लस रूट तीन बटा दो का वर्ग बन जाएगा बराबर किसको होगा, जीरो के। अब हम इसको यहाँ देखते हैं कि इस वाली घात को हम क्या पहुंचा देंगे, जीरो में पहुंचा देंगे, जीरो में पहुंचा देंगे। या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि इसको मैं दो बार लिख लेता हूं, एक बार तो होगा एक्स प्लस रूट तीन और दूसरी बार भी लिख देंगे इसको एक्स प्लस रूट तीन बराबर किसको होगा, जीरो के। अब प्रत्येक को हम क्या करेंगे, जीरो के इक्वल रहेंगे, एक्स प्लस रूट तीन बराबर जीरो के होगा, या हम देखें तो एक्स बराबर माइनस का रूट तीन बटा दो के हो जाएगा। ठीक है, एक आंसर इसका ये बन जाएगा। और दूसरा हम देखेंगे एक्स प्लस रूट तीन बराबर जीरो के होगा तो एक्स बराबर यहां से भी माइनस का रूट तीन बटा दो ही निकल के आ जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा आपको इसका सोल्यूशन जरूर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यदि आपको सोल्यूशन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर और नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या कहा गया, नेक्स्ट क्वेश्चंस इस तरह से दिया गया है, टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री इजिकल टू जीरो दे रखा है। तो हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का सेवन एक्स और यहाँ पर प्लस का थ्री इजिकल टू जीरो दिया है। तो हम सबसे पहले इसमें दो से भाग करेंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का सेवन अपॉन टू एक्स प्लस का तीन बटा दो बराबर जीरो को हो जाएगा। हम इस वाले मान को सेवन अपॉन टू एक्स को किसके इक्वल रखेंगे, टू ए बी के इक्वल रखेंगे। यहां से अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर में है इसलिए एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा किससे, ए से, तो बी की जो वैल्यूज बनेगी वो सेवन अपॉन कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा। ये टू उसके बटे में पहुंचेगा, सेवन अपॉन फोर का हम वर्ग जोड़ना है और सेवन अपॉन फोर का वर्ग ही घटाना है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस का सेवन अपॉन टू एक्स प्लस का सेवन अपॉन फोर का वर्ग यहाँ पर मैंने जोड़ दिया और प्लस का तीन बटा दो और माइनस घटा दिया मैंने सेवन अपॉन फोर का वर्ग, मतलब सेवन अपॉन फोर का वर्ग कितना होगा, उनचास बटे सिक्सटीन, मतलब सोलह। ठीक है, यहां पर ये वर्ग बना किसका, एक्स प्लस एक्स माइनस, एक्स माइनस सात बटा दो का वर्ग बन गया। ठीक है, और यहां से हम देखेंगे इसको तो एलसीएम लेंगे यहां पर, तो आठ से कर लेंगे, आठ के चौबीस माइनस का उनचास बटा कितना हो जाएगा, सोलह के हो जाएगा। भाई इसका एलसीएम लेंगे तो सोलह दो का कितना आ जाएगा, तो आठ के चौबीस हो जाएगा, इसकी आप मल्टीप्लाई करेंगे वन से, तो एक्स माइनस का सेवन अपॉन टू बनेगा का वर्ग वहां पर। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में नहीं, यहाँ पर फोर होगा बच्चों, ये मिस्टेक हो जाएगी, नहीं फोर होगा, और ये भी कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा।
ठीक है, यहां से 49 में से आप घटाएंगे इसको, तो 25 बटा कितना बचेगा 16, x बराबर हो जाएगा 0 के, या इसको मैं लिख सकता हूं x माइनस का 7 बटा 4 का वर्ग, और यहां से जो बनेगा वो कितना हो जाएगा, इसको लिख सकता हूं 5 बटा 4 का वर्ग। और यहां से पुनः हम जानते हैं कि इक्वेशन बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला इसमें हम लगा देते हैं। ठीक है, तो यहां से कितना जो फाइनल बना उसको लिख लेते हैं। तो यहां से बनेगा ये x माइनस 7 बटा 4 और प्लस 5 बटा 4 बनेगा, और दूसरा हमारा बनेगा x माइनस 7 बटा 4 और माइनस का 5 बटा 4 बराबर हो जाएगा 0 के। ठीक है, या इसको हम कर सकते हैं x हर समान अंश को जोड़ देंगे, जैसा चिन्ह है वैसे चिन्ह के साथ, तो माइनस 7 में से आप 5 घटाएंगे कितना बचेंगे 2 बटा 4। ऐसे यहां से अगर देखें x, ये माइनस का ये भी माइनस का अंश, मतलब हर समान अंशों को जोड़ देंगे तो कितना 7 5 12, 12 बटा कितना जाएगा 4 बराबर किसके हो जाएगा 0 के। 4 से आप कैंसिल करेंगे इसको 3 बार, इसको कैंसिल आउट करेंगे 2 बार, तो ये जाएगा x माइनस का 1 बटा 2 बनेगा यहाँ से, और यहाँ से x माइनस का 3 बटा नहीं ओनली 3 बनेगा यहाँ से बराबर किसके हो जाएगा 0 के। प्रत्येक को 0 के इक्वल रखेंगे तो x माइनस 1 अपॉन 2 बराबर 0 के, ये x बराबर 1 अपॉन 2 किया जाएगा, मतलब पहली वैल्यू से x का मान 1 बटा 2 होगा और x माइनस 3 बराबर 0 के, अर्थात x की वैल्यू जो फाइंड होगी वो 3 आ जाएगी। ठीक है, x बराबर किसका आ जाएगा 3 किया जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा आपको इसका सोल्यूशन जरूर समझ में आ रहा होगा, यदि आपको सोल्यूशन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स देकर रिप्लाई देना बिल्कुल ना भूलें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर, और नेक्स्ट क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से करने की कोशिश करते हैं। मैं उम्मीद करूंगा आपको सोल्यूशन जरूर समझ में आ रहा होगा। 4 क्वेश्चंस दे रखा है, 2x² + x - 4 = 0 दे रखा है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से देख लेते हैं कितना प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहां पर हम देख लेते हैं इसको, ये दे रखा है 4 क्वेश्चंस के 2x² माइनस यानी प्लस एक्स माइनस का 4 बराबर 0। इस 2 से पहले भाग करेंगे इक्वेशन में तो हमें चाहिए x² + 1 / 2 एक्स माइनस का 2 बराबर 0, क्योंकि ये 2 से भाग करी तो यहाँ पर 1 / 2 हो गया, ये वाला 4 से 4 को 2 से कैंसिल करा तो 2 बार कैंसिल आउट हो गया। अब हम जानेंगे 2ab बराबर किसके होगा 1 / 2 एक्स के, एक्स को तो कैंसिल कर लेंगे हम a से, तो b का जो मान आएगा वो 1 / 4 बनेगा, क्योंकि 2 इसके अंदर गुणा कर लेगा। 1 / 4 का वर्ग हमें जोड़ना पड़ेगा और 1 / 4 का वर्ग क्या करना पड़ेगा यहाँ से घटाना पड़ेगा, तो हम क्या कर लेते हैं 1 / 4 का वर्ग मैंने यहाँ पर जोड़ दिया और माइनस का 2 और माइनस का 1 / 4 का वर्ग का मतलब होगा 1 / 16 हमने इसमें क्या कर दिया घटा दिया, तो x प्लस यहाँ से 1 / 4 का वर्ग हम क्या करेंगे ऐसे होल स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ देखेंगे 16 दूनी 32 और कितना हो जाएगा 33, 33 बटा कितना हो जाएगा 16 बराबर 0 के हो जाएगा, 33 बटा 16 क्या हो जाएगा इसके 0 के इक्वल हो जाएगा। अगर हम देखें यहाँ से x प्लस 1 / 4, एक बार हम इसको ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ पर बनेगा रूट तैतीस बटा कितना हो जाएगा 4 के वर्ग के बराबर हो जाएगा। एक बार हमें इसको जोड़ना है और एक बार क्या करेंगे हम इसको घटा लेंगे, ठीक है, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो जब हम इसको देखेंगे यहाँ से तो कितना बनेगा ये बात हम इसको समझते हैं। तो ये एक बार जब इसको जोड़ेंगे तो बना एक्स प्लस का 1 / 4 और प्लस इसमें जोड़ेंगे रूट तैतीस बटा 4, ठीक है, जब घटाएंगे इसमें से एक्स प्लस 1 / 4 माइनस का रूट तैतीस बटा 4 बराबर किसके जाएगा 0 के, ऐड कर लेते हैं इसको तो बनेगा यहाँ से x प्लस का रूट तैतीस प्लस का 1 / 4 के, और जब यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ से कितना बनेगा x और प्लस x माइनस कर लेते हैं इसको माइनस रूट तैतीस और बटे कितना माइनस 1 / कितना हो जाएगा 4 के बराबर 0, क्योंकि मैंने इसमें से माइनस कॉमन लिया तो माइनस कॉमन लेने पर ये वाला माइनस बन गया है, आप इससे गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस वही आ जाएगा। ठीक है, अब हम दोनों को क्या करेंगे 0 को रखेंगे तो x प्लस रूट तैतीस प्लस 1 / 4 बराबर 0 के, तो यहाँ से फाइनल बना हमारा माइनस का रूट तैतीस और प्लस का 1 / 4। ठीक है, दूसरा अगर देखें x माइनस का रूट तैतीस माइनस 1 / 4 बराबर 0 के, तो यहाँ से बना x बराबर का रूट तैतीस माइनस 1 / 4 के। ठीक है, ये दोनों से क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। मैं उम्मीद करूंगा आपको उसका सोल्यूशन जरूर समझ में आ रहा होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर, और नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से कहा गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 4ax माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a² बराबर किसके दे रखा है 0 के दे रखा है, तो हम क्या कर लेते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन से दे रखा कि एक्स स्क्वायर माइनस का 4ax माइनस का
ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस फोर ए स्क्वायर बराबर जीरो के दे रखा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का फोर ए एक्स हम क्या कर लेते हैं भाई, इसमें पहले हमें जो देखना है कि हमें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। हम इस वाले पार्ट को फोर ए एक्स को किसके इक्वल रख लेते हैं, टू ए बी के इक्वल रख लेते हैं। क्यों रख लेते हैं, मैंने आपको बोला था जो दो पावर में होगा और उसका जो वर्गमूल होगा वो जो इसके गुणांक में होगा उसको रख लेते हैं। तो एक्स जो यहाँ पर दे रखा वो इसके गुणांक में है। अब हमने देखा कि यहाँ पर टू से इसको कैंसिल आउट कर लेंगे दो बार, और यहाँ पर इसको मैं कैपिटल मान लेता हूँ ए बी। क्यों मान लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ए बी ऑलरेडी दे रखा है पहले से, इसमें मिक्सिंग हो जाएगी इसलिए हम कर लेते हैं। तो ए से हम क्या काट लेते हैं एक्स को, तो बी किसके इक्वल हो जाएगा टू ए के। अब टू ए हम यहाँ पर क्या करेंगे, वर्ग इसका जोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का फोर ए एक्स प्लस इसका वर्ग टू ए का वर्ग, और इतना ही हमने घटा दिया इसका, तो ये फोर ए स्क्वायर हो जाएगा, और ब्रैकेट में चल रहा है बी स्क्वायर माइनस का फोर ए स्क्वायर बराबर जीरो के। ये वाला तो हमारा हमारा एक्स माइनस का टू ए का वर्ग, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। माइनस का फोर स्क्वायर ए, इससे अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का हो जाएगा बी स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा ए फोर ए स्क्वायर बराबर जीरो के। इस वाले पार्ट से ये वाला पार्ट भी कैंसिल, एक्स माइनस टू का वर्ग हो जाएगा और यहाँ से बचा बी स्क्वायर। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बार इस वाले पार्ट में ये वाला जोड़ देंगे और एक बार इस वाले पार्ट में से ये वाला पार्ट घटा देंगे। तो यहाँ से कितना बचेगा, एक्स माइनस का टू ए माइनस प्लस का बी हो जाएगा, और दूसरे में x माइनस का 2a और माइनस का b बराबर जीरो के हो जाएगा। ठीक है, आप लोग जो है इसको जब यहाँ तक करेंगे तो ये आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आप जब कभी भी क्वेश्चंस को देखें वीडियो में, तो पूरी वीडियो देखने के बाद बाद में क्वेश्चंस को आप क्या करें, नोटबुक पर उतारें और खुद स्वयं करें उसको, तभी आप लोग उसको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इसको अलग अलग लिख लेते हैं, जैसे एक्स माइनस का टू ए प्लस बी करा मैंने बराबर जीरो के, और यहाँ पर भी एक्स माइनस का टू ए माइनस का बी बराबर जीरो के कर दिया। तो यहाँ पर x बराबर कितना 2a माइनस का b दिया जाएगा, और यहाँ से देखें x बराबर जाएगा 2a प्लस का b के दिया जाएगा। वही इधर जाने के बाद माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का माइनस हो जाएगा, ऐसे यहाँ पर माइनस का प्लस हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा आपको इसका सोल्यूशन जरूर समझ में आया होगा। यदि आपको सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन बेहतर तरीके से समझ में आया है तो आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट्स देकर मुझे जरूर रिप्लाई दें कि आपको ये क्वेश्चंस कैसा लगा है। ठीक है, इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा चाहूंगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।